जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, उनका एक बयान सामने आया है और उनके बयान से ये मालूम चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 809 पदों में पटवारी की भर्ती आने वाली है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 809 पदों पर पटवारी की भर्ती होगी और नए तहसील और उप तहसील बनाए गए हैं उन पे भी वो काम करने वाले हैं और उनमें जो प्रशासनिक संरचना वो भी दुरुस्त की जा रही है। पटवारियों के अभी 804 पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया अभी नए सिरे से हमने अभी जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी अभी रिव्यू बैठक, तो उसमें 804 पटवारियों के लिए सहमति दी है जो नए भर्ती किए जाएंगे। साथ में नई तहसीलें भी बनाई गई हैं, उसके लिए अलग से सेटअप तैयार किए जा रहे हैं, नई भर्तियाँ भी होंगी उसमें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में लगभग 809 पदों पर पटवारी की भर्ती आनी है जैसे कि राजस्व मंत्री ने कहा है। इसके पहले ही मैंने आप एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था लगभग 200 से 250 पद आने वाले हैं फरवरी के समय में, लेकिन उस समय भी आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और जो मंडी निरीक्षक का फॉर्म ले लिया है व्यापम ने उसकी भर्ती अभी नहीं करा पाया है। तो दोस्तों, एक वेबसाइट के माध्यम से मैं खबर की और पुष्टि करना चाहूँगा आप लोग के साथ में, नया भारत की वेबसाइट, वहाँ पर भी ये कहा गया है कि राजस्व मंत्री का बड़ा बयान आया है और छत्तीसगढ़ में 809 पदों पे पटवारी की भर्ती होगी। तो वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे आगे देखिए जो मंत्री हैं वो बलरामपुर के वाड्रफ नगर के दौरे पे थे राजस्व मंत्री। उन्होंने बताया कि जो विभाग की अभी जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें पुलिस विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की भी समीक्षा बैठक ली गई थी और उसमें ये सब चर्चाएँ होती हैं कि कितने पद खाली हैं, क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि तहसील उप तहसील कार्यालय जो कि छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर घोषित किए गए हैं, जल्द ही उन सभी जगहों पर आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में 809 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आगे देखिए कि इन तहसील कार्यालयों में वाहन की व्यवस्था के साथ साथ नई भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग इन दिनों डिजिटलाइजेशन की तैयारी पर जुटी हुई है, सारे दस्तावेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं, परंतु पटवारियों के पास सुविधाएं नहीं हैं, वो आज भी कागज कलम के सारे ही सारे काम कर रहे हैं। इस पर जयसिंह अग्रवाल ने कहा, हमने पटवारियों और RI को लैपटॉप दिलाने की मांग की है जिस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये निश्चित तौर पे है कि जब से अभी नई सरकार बनी कोई भी बहुत बड़ी भर्ती नहीं ली गई है, तो पटवारी की 809 पदों पर भर्ती आ सकती है। अब मैं बात करूँ ये कब तक आ सकती है, तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के माह से जब व्यापम भर्ती लेना स्टार्ट करता है मंडी निरीक्षक के बाद, उसके बाद इसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाले जा सकते हैं, तो वहाँ पर भर्ती आएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब पटवारी की भर्ती आएगी तो उसके लिए 12वीं प्लस PGDCA का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कुछ समय छूट भी दी जाती है कि आप बाद में भी PGDCA वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी इतना आप लोग को जानकारी देनी थी कि लगभग 809 पदों पर पटवारी की भर्ती आएगी और 4 से 5 महीने के अंदर ही ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।